नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ तितली। कहानी सबको अच्छा लगता है, कहानी सुनने से थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, कहानी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज आपको सुनाने जा रही हूँ जादुई बौने। इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जादुई बौने। बहुत समय पहले की बात थी, एक गांव में चार जादुई बौने हुआ करते थे। ये बौने पूरे गांव में घूमते और जिस किसी को मदद की जरूरत होती तो उनकी मदद किया करते थे। एक दिन ये चारों बौने रोज की तरह गांव में घूम रहे थे कि अचानक इनको किसी बच्ची के रोने की आवाज आई। जैसे ही बौनों ने अंदर झांक कर देखा तो एक प्यारी सी बच्ची कपड़े धोते हुए रो रही थी और पीछे से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। खबरदार, अगर आगे से होमवर्क करने की बात कही तो घर पर बैठो और घर का सारा काम करो, जल्दी ही तुम्हारा स्कूल से नाम कटवाती हूँ। यह कहती हुई वह घर से बाहर चली गई। चारों बौनों ने सोचा कि हमें इस बच्ची की मदद करनी चाहिए। फिर क्या था, उनमें से एक बौना बिल्ली में बदल गया और रसोई में रखा दूध पीने लगा। जैसे ही लड़की ने बर्तन गिरने की आवाज सुनी तो वह भागकर रसोई में गई और बिल्ली को देखकर बोली, रुक जा बिल्ली, चोरी मत कर, चोरी करना गलत बात होती है, मैं तुझे अलग से दूध दे देती हूँ। अगर मेरी माँ को पता चल गया कि बिल्ली ने दूध झूठा कर दिया है तो वो बिना सोचे समझे पता नहीं क्या सजा दे मुझे। यह सुनकर वह बिल्ली बोली, मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला, हर कोई मुझे मार कर भगा देता है। तुम बहुत नेक दिल की लकड़ी लगती हो, लेकिन तुम रो क्यों रही थी? बिल्ली के पूछने पर लड़की ने दुखी चेहरा बनाते हुए बोला, मेरा नाम शाइनी है, यह मेरी असली माँ नहीं है, ये मेरी सौतेली माँ है। मेरे पापा काम से अक्सर बाहर रहते हैं। माँ मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और पापा मेरी बात का विश्वास भी नहीं करते, इसलिए मुझे माँ की बातों का बहुत बुरा लगता है। अगर मेरी असली माँ होती तो मुझे इतना बुरा भला ना कहती और मुझे पढ़ाई करने से भी मना नहीं करती। यह सब सुनकर बिल्ली ने दूध खत्म किया और वहाँ से चली गई और शाइनी अपने काम करने के लिए जाने लगी। जैसे ही उसने दूसरे कमरे में प्रवेश किया, उसने देखा कि सारा कमरा एकदम साफ था। कपड़े धुलकर प्रेस किए हुए पड़े थे, कमरा एकदम साफ था। ये देखकर शाइनी ने बाकी के कमरों की भी सफाई कर डाली। कुछ समय बाद जब उसकी माँ आई तो घर का बदला रूप देखकर वह हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सब इतने कम समय में कैसे हो सकता है। यह सब जानने के लिए अगले दिन शाइनी की माँ ने जानबूझकर पूरे घर में कचरा गिरा दिया और सारे बर्तन गंदे कर दिए और शाइनी को गुस्से में बोल, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, अगर ये सब काम 2 घंटे में पूरा ना हुआ तो आज रात को खाना नहीं मिलेगा। यह कहकर वह घर से चली गई। शाइनी बहुत डर गई थी और जल्दी में घर का सारा काम करने लग गई। यह सब जादुई बौने देख ही रहे थे कि उसी वक्त शाइनी के हाथ से एक कांच की कटोरी गिरकर टूट गई। यह सब देखकर शाइनी समझ गई कि आज रात उसे भूखा ही सोना पड़ेगा। कुछ देर बाद वही बिल्ली अंदर आई और बोली, आज दूध मिलेगा शाइनी। शाइनी ने अपना डक ना बताते हुए बिल्ली के लिए दूध डाला और अपना काम वापस से करना शुरू कर दिया। यह सब शाइनी की सौतेली माँ देख रही थी। उसने देखा कि जब तक वो बर्तन साफ कर रही है, पीछे से कुछ बौने घर का सारा काम कर रहे हैं। वह सोचती है कि क्यों मैं इन बौने को पकड़ लूं? लेकिन जैसे ही वह उनको पकड़ने के लिए घर में आती है, उसे कोई नजर नहीं आता, लेकिन घर पूरा साफ होता है। यह सब देखकर शाइनी की माँ को गुस्सा आता है और वह गुस्से में शाइनी की पिटाई करने लग जाती है। माँ, बता कहा है वह बौने, बता कहा है वह बौने। मुझे कुछ नहीं पता माँ, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैंने तो एक बिल्ली को दूध पिलाया था, लेकिन उसकी माँ ने एक बात ना सुनी और शाइनी की पिटाई करती रही। ठीक उसी वक्त शाइनी के पापा आ जाते हैं और यह सब देखकर उसकी माँ को बोलते हैं,
मैंने कभी नहीं सोचा था एक तुम मेरे पीछे से इस बच्ची के साथ इतना बुरा बर्ताव करती हो। शुक्र है उस बिल्ली का जिसने मुझे सब बता दिया। और आज मैंने देख भी लिया कि तुम शाइनी के साथ कैसा बर्ताव करती हो। मगर आज के बाद तुमने इस बच्ची को हाथ भी लगाया या पढ़ाई करने से रोका तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। उस दिन के बाद शाइनी को उसकी माँ ने कभी तंग नहीं किया और शाइनी ने खूब मन लगा कर पढ़ाई की। आगे जाकर शाइनी डॉक्टर बनी और उसने कई लोगों का मुफ्त में इलाज किया। शिक्षा इस कहानी से बच्चों हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छा करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता।